दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल राज बैग डॉक्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम जो ये ब्रेक प्लेट होती है इसके अंदर जो ब्रेक शू लगे होते हैं वो अगर चिपने लग जाए तो उनको कैसे सही करें, और जो हमारी कैम होती है इसको किस तरह से चेंज करते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, एंड तक बने रहिए, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों, और वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए आराम से, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके दोस्तों। दोस्तों, हमारे जो ब्रेक शू होते हैं एक टाइम के बाद वो ख़त्म होने लग जाते हैं, तो हमको मैं आपको ये भी बताऊंगा वो ख़त्म होते हैं तो हमें किस तरह से पता चलता है कि ये ख़त्म हो गए हैं। अगर ख़त्म ना होए तो पानी में चलने की वजह से वो चिपने लग जाते हैं ब्रेक शू, टायर जाम होता है, तो वो भी बताने वाले कि वो किस तरह से पता चलता है वो कैसे ख़त्म होते हैं। वो आवाज़ करने लग जाते हैं, बहुत ही अलग तरह की आवाज़ करते हैं, जैसे चूँ चूँ कुछ इस तरह की आवाज़ आती है दोस्तों, तो उसको भी सही करना बताऊँगा किस तरह से उसको सही करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, ब्रेक शू को खोलने के लिए सबसे पहले जो 14 नंबर का ये बोल्ट दिख रहा है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों, जो ब्रेक पत्ती का बोल्ट दिख रहा है आपको दोस्तों, ये इसको ओपन करेंगे, और उसके बाद जो मेन एक्सल का बोल्ट है 19 नंबर का, इसको ओपन करेंगे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं, पहले इनको ओपन करते हैं दोस्तों, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, इसमें 14 नंबर का स्पिनर लगेगा, आपके पास 14 नंबर का स्पिनर हो तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो प्लग पाना हो तो वो भी लगा सकते हैं दोस्तों आप इस तरह से। दोस्तों, मैं इसकी जो इसकी कैम होती है इसको भी चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर बैंड आ रखा है दोस्तों। और देखो दोस्तों, अगर हमारा ब्रेक शू ख़त्म होता है तो यहीं पे चिप जा रहा है दोस्तों, इस वापस छूट नहीं रहा दोस्तों। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ब्रेक शू ख़राब है या नहीं। अगर ब्रेक शू सही होता है दोस्तों, ये छूटना चाहिए वापस, लेकिन ये छूट नहीं रहा दोस्तों। देखो, आप देख रहे हैं कि यहीं पर चिप रहा है इस तरह से, तो इसके ब्रेक शू ख़त्म है। तो मैं इसके ब्रेक शू ये कैम दोनों चेंज करने वाला है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। और हीरो होंडा कैम 13 नंबर का होता है दोस्तों, किसी में 14 नंबर का अलग से लगाया हुआ होता है। इसको इस तरह से ओपन करना है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये बोल्ट इसको ओपन कर लेने दोस्तों, इस तरह का एक 19 नंबर का स्पिनर लेंगे। तो 19 नंबर वाले को इस तरफ लगाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों बाइक डिलक्स है, और स्प्लेंडर डिलक्स में दोस्तों 18-19 का 16-17 का स्पिनर लगता है दोस्तों, और बजाज की होगी तो उसमें अलग लगेगा दोस्तों। और पीछे की तरफ से घुमाना दोस्तों इसका इस तरह से कुछ दोस्तों, इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों इसका। दोस्तों, इसको जो चैन एडजस्टर था उसको बाहर निकाल लेना दोस्तों। दोस्तों, एक्सल को पीछे से खींचना दोस्तों इस तरह से, तो एक्सल बाहर आ जाएगी दोस्तों। इसमें इसकी जो यहाँ की एक गोली होती है भी बाहर निकाल लेना, तो एक्सल को बाहर निकाल लेना दोस्तों इस तरह से। दोस्तों, टायर के कुछ इस तरह से छोटेंगे तो नीचे आ जाएगा इस तरह से। दोस्तों, टायर को बाहर निकालना दोस्तों। दोस्तों, आप इस कैम प्लेट की सेटिंग देख रहे होंगे, कैम बोल्ट की दोस्तों, इसका यहाँ पर आ रखा है और इसको और यहाँ पर हो रखा है, जबकि दोस्तों दोनों सीधे में होना चाहिए तब इसकी एक्चुअल सेटिंग सही होती है। लेकिन दोस्तों, इसकी सेटिंग भी गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि इसके ब्रेक जो ख़त्म हो रखी है इसलिए इसको सेटिंग को चढ़ाए रखा है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से दोस्तों जो ड्रम होता है हमारे टायर वाला ये ख़त्म होता है दोस्तों, ये जल्दी ख़राब होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों हमारे चिपने लगे दोस्तों, तो हमें ब्रेक शू नहीं डलानी चाहिए दोस्तों, ब्रेक नहीं आ रहा था दोस्तों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसको ब्रेक शू कितने दोस्तों देख रहे हैं आप, ये चिप रहे दोस्तों इस तरह से। दोस्तों, इसकी सेटिंग बढ़ा रही है इसलिए ऐसा हो रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप इसकी सेटिंग किस तरह से जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके ब्रेक शू हटाता हूँ, उसके बाद ये इसकी कैम चेंज करता हूँ, ब्रेक शू चेंज करके बताता हूँ आपको दोस्तों।
तरह से दोस्तों, इस तरह से बाहर निकाल लेना है दोस्तों। और दोस्तों इसकी स्प्रिंग होती है, इनको भी बाहर निकाल लेना है दोस्तों इस तरह से। दोस्तों स्कैम को खोलने के लिए एक 10 का स्पिनर लेंगे, 10 की टोमी लेंगे। यहाँ पे लगाना दोस्तों इसको, ये को इस तरह पीछे लगाना दोस्तों। दोस्तों इसको अपोजिट में घुमाना दोस्तों इस तरह से, ठीक ओपन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसको रोकना इस तरह से, ये बाहर आ जाएगा दोस्तों इस तरह से। दोस्तों इसकी अच्छे से सफाई कर लेनी दोस्तों। और दोस्तों एक यहाँ पर इसकी रिंग होती है, उसको नीचे ध्यान रखना है कि वो कोई खो ना जाए। इसकी रिंग होती है दोस्तों, इसको यहाँ पर लगाना है। देख रहे होंगे आप दोस्तों ब्रेक कैम 112 रुपये इसकी प्राइस है, ब्रेक कैम इसको खाने में दोस्तों। बस इसके अंदर से इस तरह का निकलेगा इसका कैम, और ये इसकी एक्सल दोस्तों। सबसे पहले इस एक्सल को डालना है पीछे से, डालने से पहले इसको हल्का सा ऑयलिंग कर लेना दोस्तों कुछ इस तरह से। इसको ऑयलिंग कर लेना है दोस्तों थोड़ा बहुत, ताकि कुछ चिकनाहट आ जाए इसमें ऐसे। दोस्तों इसको पीछे से डालना इस तरह से, दोस्तों आपको कैम को लगाना है। आपको दोनों पर कुछ पॉइंट मिलेंगे दोस्तों, इस पर इन दोनों को मिलाना दोस्तों, और इसको लगाना दोनों को मिलाते हुए। इसके बाद दोस्तों इसका बोल्ट होता है, उस बोल्ट को लगा के इसे डेवली टाइट करनी है दोस्तों। दोस्तों इसके बोल्ट को टाइट कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके जो ब्रेक शू होते हैं, वो ब्रेक शू लगाने दोस्तों। दोस्तों ब्रेक शू हम नए लगाने वाले हैं, और इसके जेन्युइन ओरिजिनल जो ब्रेक शू होते हैं वही लगाएंगे दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे ब्रेक शू और हीरो के ओरिजिनल ब्रेक शू दोस्तों, इसके MRP 130 रुपये है। और इसको जानने के लिए दोस्तों कि ये ओरिजिनल है नहीं है, जो इसके नीचे दोस्तों आपको ये कोड दिख रहे होंगे, या आपको इस नंबर पर मैसेज करना दोस्तों, तो वहाँ से मैसेज आ जाएगा दोस्तों कि ओरिजिनल है या नहीं है। चलो दोस्तों इनको लगाते हैं हम। और दोस्तों इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो बनाई हुई है दोस्तों हीरो ऐप से, आप जाके वो भी देख सकते हो दोस्तों इस कोड से रिलेटेड। जो स्प्रिंग होती है, इसका एक मुंह को इस तरफ से लगाएंगे और ऐसे अंगूठे से दबा लेंगे, और जो दूसरा मुंह होता है इसको इस तरह से लगाएंगे इस पर, उसको नीचे अंगुली से दबा लेंगे इस तरह से। और दोस्तों एक मुंह को इस तरह से लगाएंगे दोस्तों, और दूसरे वाले मुंह को इस पे इस तरह से नीचे से लगाएंगे दोस्तों। कुछ इस तरह से दोस्तों, इस तरह से हो जाएंगे दोस्तों। ये आपको जिस तरफ लगाना है दोस्तों उस तरह से लगा सकते हैं आप, ऐसे लगा सकते हैं इसको, ऐसे लगा सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। इसका मुँह रखना, ध्यान रखना से ये गोल वाला आएगा दोस्तों, इस गोल वाले में आएगा, और ये जो चपटा वाला है इस चपटे वाले में आएगा दोस्तों। दोस्तों इसको लगाने के लिए सबसे पहले जो हम ये गोल वाला, तो इसमें बैठाएंगे इसको इस तरह से, एक मुंह बिठा देंगे इसका, और इसको इस तरह से खींच के इसका दूसरा वाला मुंह बिठा देंगे दोस्तों इस तरह से। इसको बैठाने के बाद दोस्तों इसको कुछ इस तरह से पकड़ के दोस्तों एक मुँह इसका ये भी बिठा देंगे दोस्तों इस तरह से, स्प्रिंग को खींच के दोस्तों, और इसको इस तरह से खींचेंगे दोस्तों, तो ये भी बैठ जाएगा दोस्तों इस तरह से। और देख रहे हो दोस्तों ये दोनों प्रॉपर बैठ गए आपके सामने ही, तो इस तरह से ऐसे काम करते हैं दोस्तों ब्रेक शू। दोस्तों कुछ इस तरह का रेजमाल लेना है, और उस रेजमाल को रगड़ रगड़ के इस ड्रम में से जो काला काला दिख रहा है उसको साफ करना अच्छे से, ताकि इसके अंदर से ब्रेक प्रॉपर काम कर सके, ब्रेक चिपके नहीं दोस्तों। और आपके पास एयर गन है तो एयर गन से हवा मार सकते हो, नहीं तो आप कपड़ा होता है उससे साफ कर सकते हो उसको।
फिर से दोस्तों मैंने इसको साफ कर लिया है और हम जो टायर होता है इसको लगाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों जो ये ड्रम की प्लेट होती है इसको ये ड्रम के अंदर लगाएंगे इस तरह से, और ब्रेक शू को आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से काम कर रहे हैं दोस्तों, कहीं भी चिपक नहीं रहे दोस्तों इस तरह से। दोस्तों आपको टायर लगाना नहीं है तो आप मेरी दूसरी वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने टायर को अच्छे से लगाना सिखाया कि टायर को किस तरह से अच्छे से ढंग से लगाते हैं। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उन वीडियो का दोस्तों, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। और मैं कपलिंग चेंज करना भी बताया दोस्तों, वो भी जाके देख सकते हो दोस्तों प्रॉपर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताइए आगे दोस्तों आपको किस चीज़ पे वीडियो देखने। दोस्तों कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लाने की दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दिख रहा है उसको प्रेस कर दो दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताना दोस्तों।